हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है यदि आप भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो या फिर आपका दूसरा तिमाही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला है। समय पहले मैंने आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही में होने वाले टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, स्कैन और केयर के बारे में बताया था एक वीडियो में। आई एम श्योर आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी जरूरी टेस्ट है, इम्पोर्टेंट टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है और ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं या फिर हमारा दूसरा तिमाही शुरू हो गया है। तो अभी मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, 2 महीने पूरे हो चुके हैं और जितने जरूरी टेस्ट और स्कैन थे वो हो चुके हैं। तो जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, दूसरी तिमाही शुरू होती है और चौथा महीना शुरू हो जाता है, तब तक हमारा ये जो मॉर्निंग सिकनेस वाला फेज था, ये जो नौजिया वाला फेज था, ये काफी हद तक कम हो जाता है और धीरे धीरे 5वें महीने तक ये खत्म हो जाता है। कुछ केसेस में ये जो नौजिया होती है ये 5वें से 6ठे महीने तक, 7वें महीने तक चलती है, जिसे हम हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। ये एक डिफरेंट चीज है जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो इस वजह से आपकी वॉमिट हो सकता है कुछ दिन तक और चलती रहे, मॉर्निंग सिकनेस नौजिया कुछ दिन तक और आपको चलता रहे, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि जरूरी होते हैं, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए और जो डॉक्टर हमारा करने वाले। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होते ही डॉक्टर को काफी कुछ पता चल जाता है आपके बारे में भी और होने वाले बच्चे के बारे में भी, कि इनकी ग्रोथ कैसी है, बच्चे का मूवमेंट है या नहीं है, बच्चे में जो ग्रोथ है वो कैसे है, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ये सब कुछ डॉक्टर को पता चल चुका होता है। जब आप अपनी प्रेगनेंसी के 11वें, 12वें और 13वें हफ्ते में होते हो तो इस दौरान डॉक्टर आपको एक एंटी स्कैन लिख करके देते हैं जो आपको करवाना होता है। कुछ डॉक्टर आपको 11वें, 12वें हफ्ते में इसे लिख के देते हैं और कुछ डॉक्टर इसे आपको 13वें या फिर 14वें हफ्ते में लिख के देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि ये आपका कब करवा रहे हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवा रहे हैं या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आखिरी महीने में करवा रहे हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे आपको करवाना जरूरी होता है। अब 4थे महीने में ही यानी कि जब आपका 14th वीक कंप्लीट हो जाता है तो इसी मोमेंट पे आपको TT यानी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है, जो लेना जरूरी होता है। फर्स्ट डोज आपको अभी दी जाती है और सेकेंड डोज आपको 18th वीक पर दी जाती है, 18th या 19th पर, जब भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, तो ये डोज आपको तब दी जाती है। अब इसी के साथ जो आपके बेसिक रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी पल्स रेट, BP, शुगर, थायराइड और इस तरह की जो चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं, ये डॉक्टर आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी चेक करते हैं। और BP, पल्स रेट, हाइट एंड वेट तो आपका नॉर्मल रूटीन चेकअप में भी टेस्ट होता रहता है। प्रेगनेंसी का जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 4थे महीने में होने वाला एंटी स्कैन जो किया जाता है ये काफी चीजों को क्लियर कर देता है। और अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये समय से शुरू कर दिया जाता है। जब आप 18वें हफ्ते में यानी आपका 5वां महीना शुरू हो गया है तो डॉक्टर उसके पहले ही आपको बता देते हैं कि 18वें से 22वें हफ्ते के बीच में आपका एनोमली स्कैन, इसे हम एनाटॉमी स्कैन भी बोलते हैं, वो परफॉर्म किया जाएगा, वो करना जरूरी है, जिसमें डॉक्टर आपके बेबी का मूवमेंट चेक करते हैं, ग्रोथ चेक करते हैं, डेवलपमेंट चेक करते हैं और उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन्हें चेक किया जाता है, ऑर्गन्स को चेक किया जाता है। ऑल्सो ये देखा जाता है कि प्लेसेंटा की पोजिशन ठीक है या नहीं, या फिर प्लेसेंटा अपनी जगह से मूव कर रहा है नहीं। ये जो एनोमली स्कैन होता है ये 18वें से 22वें हफ्ते के बीच में ही किया जाता है। तो डॉक्टर आपको 18वें हफ्ते में बोल सकते हैं, 19वें, 20वें, 21वें या फिर 22वें हफ्ते में बोल सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर आपको पहले ही इस बारे में बता देते हैं कि ऐसा जो अल्ट्रासाउंड है ये अपकमिंग डेज में होने वाला है, लेकिन इस दौरान इन हफ्तों के बीच में अगर आपका ये टेस्ट नहीं होता, ये अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार बात जरूर करें। एनोमली स्कैन में ही जो बच्चे में फर्दर जेनेटिक डिसऑर्डर आने वाले होते हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है, उसका भी पता लग जाता है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये भी समय से शुरू कर दिया जाता है। प्लीसेंटा की पोजीशन अगर सही नहीं होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इसके बाद डॉक्टर आपका 30वें हफ्ते में एक और अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आपका सीजर होना है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होनी है। अब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, 16वां हफ्ता हो गया है, तो आपकी डाइट में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब का इंटेक भी बढ़ाया जाता है।
डॉक्टर आपको 16वें हफ्ते से कुछ नई मेडिसिंस देंगे जो कि आपके लिए एक बेसिक सप्लीमेंट का काम करती हैं, जो कि रेगुलरली आपको लेनी होती है। इसमें फॉलिक एसिड के साथ आपको आयरन, कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम वगैरह भी होता है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको लेनी होती हैं। कई बार डॉक्टर इन सप्लीमेंट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के तीसरे महीने से देना शुरू करते हैं और कई बार डॉक्टर इन्हें सेकेंड ट्राइमेस्टर से देना स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका आ गया है, पांचवा महीना आपका चल रहा है। इसी दौरान आपको आपकी जो डेयरी और फ्रूट्स की डाइट है इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इनकी मात्रा बढ़ानी है आपको आपके खाने में। अगर आप अभी तक नहीं ले रहे थे, आपको पसंद नहीं था, तो अब आप लेना शुरू कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको इन्हें लेना है और धीरे धीरे करके इनकी मात्रा बढ़ानी है। कर्ड, दही, पनीर, सोया, इस तरह की चीजें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो पांचवा महीना होता है वो बिल्कुल सही समय होता है हमारी डाइट में, डेली रूटीन में ड्राई फ्रूट्स को लेने का। हमारे घर के लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट हो तो ड्राई फ्रूट्स आपको खाना है और ये खाओ तो कभी वो खाओ, लेकिन इन सब चीजों को लेने का एक सही तरीका होता है और सही मात्रा होती है और सही समय होता है जब आपको इन चीजों को लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको एक बार में नहीं खानी है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स है उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप हलवे में मिला के खा सकते हैं, आप मिठाई में, लड्डू में मिला के खा सकते हैं, आप सोक करके पानी में खा सकते हैं। आपने वो ओवरनाइट सोक कर दिया आपके 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स और मॉर्निंग में उसे आपने खा लिया, या फिर दिन में आपने कभी भी उसे खा लिया। और आप चाहो तो दिन में भी ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत आपने ले लिए, 4-5 ड्राई फ्रूट्स, और आप ऐसे भी उसे खा सकते हो अगर आपको एंटी स्टमक फील हो रहा है, आपको भूख लग रही है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। हमारी बॉडी का वेट एकदम से बढ़ने लग जाता है, यूट्रस का जो डेवलपमेंट होता है वो नीचे से भी बढ़ने लगता है और ऊपर से भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 5वें महीने से लेकर के 6ठे महीने में आपको बेबी की बहुत सारी मूवमेंट्स फील होने लग जाएंगे, किक्स फील होने लग जाएंगे। तो कुछ केसेस में ये जो बेबी मूवमेंट्स होते हैं, किक्स होते हैं, ये 16वें, 17वें, 18वें वीक में ही आपको फील होने लग जाएंगे। वहीं कुछ केसेस में ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये आपको 5th मंथ के बाद 6ठे महीने में फील होना शुरू होते हैं। बॉडी में भी बहुत बदलाव आता है, आपके बॉडी का जो कलर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, डिसकलरेशन हो जाता है, थोड़ा पिगमेंटेशन भी हो सकती है शरीर में, आपके चेहरे पे, हाथ पैर में। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, किसी भी तरह का कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज ना करें। वहीं सेकंड ट्राइमेस्टर ट्रैवलिंग के लिए भी बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो अगर आप अपकमिंग डेज में कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज इट, और अभी मेरा जो 6th मंथ है वो चल रहा है। अगर कोई और नए चेंजेस आते हैं, कोई और नए टेस्ट होते हैं, कुछ नई बात होती है, मैं आपको किसी वीडियो में या फिर ब्लॉग में जरूर बताऊंगी। तो वीडियोस एंड ब्लॉग्स देखते रहिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करिएगा। एंड दिस इज इट, आई एम श्योर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा, मदद जरूर करेगा आपको ये कहीं ना कहीं। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।